हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, मैंने ये लंबे बालों में बहुत आसानी एक आसान सी हेयर स्टाइल बताई है, तो आप जरूर ट्राई करना। एंड इस करवा चौथ एंड दिवाली जब भी मेकअप करो आप, तो जरूर ट्राई करना इस हेयर स्टाइल को। बहुत आसान सी है, क्योंकि लंबे बालों में नहीं समझ आता है कि हम क्या कर लें। कर्ल कर लें तो बहुत समय लगता है, एंड स्ट्रेटिंग करने हैं तो फिर भी बहुत समय लगता है। तो आसान सी एंड जल्दी करने वाली हेयर स्टाइल तो आप ट्राई कर सकते हो। सादा चोटी बनानी है आपको, एंड यहाँ पर छोटी छोटी चोटियाँ बनानी है इस तरह की, और बस हेयर स्टाइल रेडी। तो आप देख सकते हो, तो जरूर ट्राई करना आप, और पूरी वीडियो देख कर जाना एंड सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल अगर आप नए हो, एंड लाइक दे देना हमारी वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मैं स्टार्ट करती हूँ हेयर स्टाइल। देख सकते हो लंबे बालों में वाकई नहीं समझ आता, या तो आप बन बना लीजिए और उस पर फ्लावर से डेकोरेट कर लीजिए, या आप इस तरह की चोटी भी बना सकते हो, तो बहुत आसानी हो जाती है। और खुले बाल में ये है कि अगर हम खुले बाल रखें तो काम करने में दिक्कत होती है, क्योंकि फेस्टिवल के टाइम तो काम बहुत होता है लेडीज़ों को। तो इसलिए तो मैं स्टार्ट करती हूँ, देख सकते हो आप। तो ये आपको साइड से दोनों तरफ से इस तरह से बाल निकाल लेने हैं ये, और आप सेंटर में रख सकते हो, पार्टीशन जो भी निकालना चाहो, या आप साइड की भी निकाल सकते हो, जैसे भी आपका मन हो। एंड तो छोटे छोटे से और थोड़े से बाल निकालने हैं मुझे ईयर के पास से, एंड देख सकते हो। और आपको इस तरह से कल की उंगली की सहायता से आप ले लीजिए बाल। अब जो सादा चोटी बनाते हैं हम, उस तरह से हमें ये चार पांच गूंथ लेनी है, जैसे गूंथते हैं ना चोटियाँ, इस तरह से गूंथ लगा लेनी है चोटी की। तो करीब चार पांच बार लगा लीजिए, एंड फिर आप स्टार्ट करना। तो देख सकते हो ये लग गई हैं। अब आप फिंगर की सहायता से अब बाल जो उसके ऊपर डालते रहिए। एंड तो जो सादा चोटी बनाते हैं हम, इस तरह की बनती है, बस ये है कि प्रैक्टिस होनी चाहिए, बट बहुत जल्दी बन जाती है। तो इस तरह से डालते रहिए और उसे नीचे छोड़ दीजिए, एंड दूसरा फिर आप उसके दूसरे साइड उसके ऊपर डालिए। इस तरह से आप चोटी सी बनाते रहिए, बहुत पतली पतली चोटी बनती है एंड आसानी से बन जाती हैं। आप देख सकते हो, आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसानी हो जाएगी आपके लिए। एंड इस तरह से लेते रहिए धीरे धीरे, थोड़े थोड़े बाल कन की उंगली की सहायता से लीजिए आप, क्योंकि उससे आसानी होती है, सेम बाल निकलते हैं जैसे आप लेना चाहो। तो बस ये देख सकते हो इस तरह से बन गई छोटी। ये मैं रहने दूंगी इन बालों को मैं कर्ल कर लूँगी, एंड बस इस तरह से गोथ लीजिए छोटी की तरह, और बस हमारी हेयर स्टाइल रेडी हो जाएगी। एंड सेकंड जो साइड है उस तरफ भी इस तरह से बना लेनी है चोटी, एंड बहुत सुंदर लगती है ये वाकई। आप कुर्ता पहनो एंड सूट पहनो, पटियाला सूट हो या कोई भी सूट हो, उस पर भी बना सकते हो आप, आसानी चोटी है ये। इस तरह से थोड़ी थोड़ी खोल लीजिए तो और अच्छा लगेगा, सुंदर दिखेगा। एंड जो अब पिन लगा लीजिए पीछे की तरफ, तो बस मैं पिन लगा लेती हूँ, ये कम्प्लीट हो गया है। और मेकअप की वीडियो जा चुकी है, आप लोग देख चुके हैं, तो आप लोग ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी, एंड कमेंट करना। और ये लगा लिया, ये देखो फ्लावर वाली लगा ली मैंने छोटी सी। आप जैसे भी डेकोरेट करना चाहो, जो भी हो आपके पास, उस तरह से कर सकते हो आप। एंड सेकंड तरफ भी इस तरह से बना लूँगी मैं, छोटी छोटी चोटियाँ बनानी है मुझे। तो फिर उसके बाद ऐसे ही फिंगर की सहायता से मैं बाल लेती रहूँगी एंड चोटी बनाती रहूँगी, और बहुत प्यारी लगती है इस तरह की। और आपको जैसे भी आपके फेस पर मैच करे, आपके फेस पर जैसे भी सुंदर लगे, तो आप इस तरह की हेयर स्टाइल बना सकते हो। एंड तो आप पूरा देख लेना, अगर बन भी बनाना चाहो तो पीछे की साइड बन बना लीजिए एंड फ्लावर लगा लीजिए, और जैसे भी आपको अच्छा लगे एंड ये अच्छी लगे हेयर स्टाइल, तो आप ज़रूर ट्राई करना प्लीज़। एंड अगर आप नए हो हमारे चैनल पर, फर्स्ट टाइम आए हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना एंड लाइक देना हमारी वीडियो को। और अगर अच्छी लग रही हो आपको, तो आप फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव के साथ ज़रूर शेयर करना इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स देख सकते हो, इस तरह से दोनों साइड में चोटी बन गई, एंड वाकई में बड़ी प्यारी लग रही है। तो आप ज़रूर कमेंट करना कि आपको कैसी लगी। एंड साइड में मैं चोटी बना लूँगी, और लूज़ लूज़ चोटी बनानी है आपको सादा तरीके से, एंड बहुत लूज़ करनी है, ज़्यादा टाइट नहीं, टाइट क्योंकि फिर ऊपर से खिंच जाएगी तो इतना अच्छा नहीं लगेगा। तो लूज़ लूज़ एक चोटी बना लीजिए। और लंबे वालों में बहुत टाइम लगता है, अगर हम कोई मतलब कर्ल सोचें या स्ट्रेटिंग सोचें, तो वाकई बहुत समय लगता है। और तो मैं तो बस यही कि अच्छी लग रही थी ये स्टाइल, तो बस अब इस तरह से खोल लीजिए थोड़ी थोड़ी चोटी। एंड जो बीट्स हो आपके पास डेकोरेट के लिए, जो भी, या फ्लावर लगाना चाहो तो फ्लावर भी लगा सकते हो इसकी जगह। और यहाँ मैं कर्ल कर लेती हूँ थोड़े थोड़े से। तो ये कर्लर मैंने मीशो से मंगाया था, और बहुत अच्छे अच्छे मीशो पर हैं प्रोडक्ट, मतलब मेकअप प्रोडक्ट और ज्वेलरीज एंड ड्रेसेस काफ़ी अच्छे हैं, तो आप ट्राई करना प्लीज़।
तो फ्रेंड्स फिर मिलूंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में, और पूरा वीडियो देख कर जाना, और मैं आगे म्यूजिक ऐड कर देती हूँ, एंड बाय बाय. फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, एंड बता दे जरूर आपको कैसे लगी ये हेयर स्टाइल एंड मेकअप, और मेकअप की वीडियो अलग से जाएगी, तो प्लीज देखना जरूर. एंड